पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। डरो मत मुक्ता, बोलो। देखो बेटी, तुम जो भी जानती हो सबके सामने बता सकती हो। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मालेराव, तुम बताओ, इसने तुम्हें डकैती के बारे में जो भी बताया, बताओ कि ये लूट के बारे में क्या जानती है? ठीक है मुक्ता, तुम्हें केवल ये देखना है कि मालेराव जो कह रहा है वो सही है या गलत। ठीक, बोलो मालेराव। मालेराव, पूरा दरबार इंतजार कर रहा है तुम्हारे जवाब के लिए। क्या कहा मुक्ता ने तुम्हें, क्या बताया इसने? दादा साहब, वो क्या है ना, मुक्ता ने हमें इतना कुछ तो नहीं बताया, बस उसने ये स्वीकार किया है कि वो जानती है शाही खजाने के डकैती के बारे में, और कौन कौन था इस डकैती के बारे में ये वो भी जानती है, और हमें पूरा विश्वास है, ये जानती है कि इसमें आई साहब भी शामिल थे। पर वो क्या होता है ना दादा साहब, सारी सच्चाई जानने के बाद भी हम कभी बोल नहीं पाते, बस यही हाल अभी मुक्ता का है, इसलिए हम चाहते हैं कि मुक्ता ये स्वीकार करे और ये खुद बोले। मुक्ता बोलो, बताओ वो सच तो इस दरबार में बहुत कम लोग जानते हैं, बताओ सब लोगों को शाही खजाने की डकैती के बारे में। बोलो मुक्ता, तुम दरबार का समय नष्ट कर रही हो। मैं जानती हूं। मुक्ता, दरबार के चारों तरफ देखो, ध्यान से देखो और बताओ यहां पर कौन कौन मौजूद है जिन्होंने लूट को अंजाम दिया था। मुक्ता, इस तरफ। उस तरफ, वहां ऊपर भी, हर जगह देखो, ध्यान से देखो मुक्ता, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हो सकता है मुजरिम आंखों के सामने ही खड़ा हो।
बताओ मुक्ता, तुम जो भी जानती हो खुलकर कहो, निडर होकर बताओ। दादा साहब, वो हमने कहा ना, डरो मत, अपने दादा साहब को बता सकती हो, बताओ। दादा साहब, वो लूट, दादा साहब, वो डकैती किसी अच्छे मकसद से की गई थी, किसी निजी कारण की वजह से नहीं। बेटी, ये सोचना, ये निर्णय लेना तुम्हारा काम नहीं है। तुम बस ये बताओ कि क्या तुम उस अपराधी को जानती हो जिसने ये अपराध किया है? अगर जुबान पर उस इंसान का नाम नहीं लाना चाहती तो सिर्फ इशारा कर दो, बताओ कौन है वो। हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं मुक्ता, बताओ कौन है वो। यशवंत भाऊजी, वाह। वैसे आपको देखकर एक बात की तसल्ली हो गई कि हमारी बहन सुरक्षित हाथों में है। लेकिन दुख इस बात का है दादा साहब, ये मालवा की जड़ों में सेंध लगाने वाले यशवंत भाव जी जैसे लोग अभी भी मौजूद हैं। लेकिन बेहतर यह है कि यशवंत भाव जी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। लेकिन हम जानते हैं दादा साहब कि यशवंत भाव जी अकेले नहीं थे, इनमें इतनी हिम्मत नहीं कि इतना कुछ अकेले कर सके। अवश्य ही बाड़े के शक्तिशाली और रसूखदार लोगों का समर्थन और छत्र छाया प्राप्त थी। यशवंत भाऊजी, जब आपने अपना अपराध स्वीकार कर ही दिया है तो अब यह भी बता दीजिए कि इसमें और कौन कौन शामिल था। खामोश हो जाइए सब लोग और दरबार की मर्यादा का पालन कीजिए। हाँ तो बताओ यशवंतराव फंड से तुम्हारे साथ इस शाही खजाने की लूट में और कौन शामिल था? क्या वाड़े का कोई सदस्य जिससे तुम्हें सहयोग, समर्थन या अवैधन मिला था?
पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।